दोस्तों आप देख रहे हैं गार्डनर दोस्त। आज आपको बताएंगे उड़हुल या गुलहर का प्लांट लगाने की विधि। ये मेरे पास हाइब्रिड है, इसका जो एम्फीड अटैक या कोई भी चीज का अटैक हो जाता है या पीला पत्ता पड़ जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। आप जो अंतिम तक वीडियो देखते रहें और इसमें कली क्यों नहीं देता है इसके बारे में भी बताएंगे आपको। इसका कली नहीं देने के लिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना होगा, या नहीं तो आपके इसका गमला में रूट बाउंड कर गया है, इसलिए इसमें कोई भी कली या कोई चीज नहीं दे रहा है। ये आप जो खाद दे रहे हैं वो नीचे जमीन में आ जा रहे हैं, इसीलिए उसका खाद देने के लिए पहले उसके रिपोर्टिंग करें, मतलब दूसरे पॉट में लगाएं, उसका रूट बाउंड जो है रूट बाउंड हटाएं। अगर वो नहीं है तो जरूर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे, वो जरूर ग्रोथ करने लगेगा। अगर इसका पत्ता पीला हो रहा है तो उसके लिए भी आप वर्मिंग कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं और जिंक का प्रयोग कर दे जो हरा हो जाएगा, और थोड़ा यूरिया का प्रयोग कर दीजिएगा तो और भी हरा हो जाएगा, लेकिन ये आधा चम्मच ही चाहिए। और इसमें ज्यादा से ज्यादा फूल लेने के लिए आपको वर्मिंग कंपोस्ट का प्रयोग तो जरूर ही करना चाहिए। ये मेरे पास जमीन में लगा हुआ है, मैं जमीन में ही ज्यादातर प्लांट लगाता हूँ, जमीन में मुझे पानी देने का कम ये रहता है। ऐसे आप गमला में लगाएंगे तो गमला में ज्यादातर गमला में पानी देने का चांस ज्यादा रहेगा, आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। इसमें तो ऐसे ही लगा दीजिए और उसके बाद भूल जाइए, पानी 1-2 दिन पे देते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन गमला में रोजाना पानी देने के कारण हम गमला में नहीं, ऐसे मेरे पास गार्डन है इसलिए गार्डन में लगा दे रहा हूँ जमीन में। अब जमीन में लगाए तो इसको ऊंचा ऊंचे स्थान पे लगाए, इसमें भी पानी का ज्यादा अटैक करता है। ये हाइब्रिड वाला है, मेरे पास देसी वाला का 5-7 वेराइटी है और हाइब्रिड वाला का एक ही ऐसे ही ले आया था। इसमें बहुत सारा फूल देता है। वर्मी कंपोस्ट इसमें मैं 5 kg रख दिया था और ऊपर से मिट्टी रख दिया था, वो अब सड़ने लगा होगा, इससे ही इसमें ज्यादातर फूल आने लगे हैं ऐसे। लेकिन इसका फूल जितना पूसी प्लांट होगा और जितना बड़ा होगा उतना ही फ्लावर ज्यादा देने लगेगा, और ज्यादा फ्लावर देने लगेगा तो ज्यादा ऐसा कली बनने लगेगा और ज्यादा इसमें ज्यादातर वो बीज बनने स्टार्ट हो जाता है। अगर कली नहीं, बीज नहीं हटाइएगा वो सूख जाने के बाद, इसलिए वो कली को भी हटा देना होगा, नहीं तो कली के बाद फूल के बाद जो बीज वाला बीज पॉट होता है उसको हटा देना होगा हाइब्रिड वाला में। देसी वाला में ऐसा कोई नहीं है, बीज बनने का कोई चांस नहीं रहता है, उसको हटा दीजिए। उसके बाद वो अपने आप दूसरा कली देने लगेगा, नहीं बीज वाला हटाइएगा तो वो बीज देने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें तो ऐसे बहुत सा कलर आता है, 150-200। इसमें सबसे ज्यादा आपको 6 महीना पे, अगर गार्डन में गमला में लगा रहे हैं तो 6 महीना पे वर्मिंग कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए। आपको वही वर्मिंग कंपोस्ट 200 ग्राम का यूज कीजिए। आप इसको ज्यादातर 20 या 22 इंच वाला गमला में लगाएं जो रूट बाउंड नहीं हो। अगर रूट बाउंड हो जाएगा तो फिर प्लांट लगने में उतना सर्वाइव नहीं करता है, तो उसके लिए फिर बड़ा गमला लेना पड़ेगा। अगर छोटा सा वो गमला में लगाइएगा तो वहां से आता ही जब नर्सरी से आए तो 2 दिन घर में रखे, जो यहाँ क्लाइमेट में सुचारू रूप से वो चलने लगे, उसके बाद इसका इधर उधर शिफ्ट करें। अभी तो मानसून का सीजन है तो अभी गमला में शिफ्टिंग का काम हो सकता है, आप इस गमला से उस गमला में शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन इसका प्लांट बहुत अच्छा होता है, ये ग्रोथ के लिए आपको एनपीके 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। आपको इसको मिनरल मिक्सचर का आता है जो इसमें छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो भी डाल सकते हैं, उससे इसका प्लांट ज्यादातर ग्रो करने लगा और तुरंत प्लांट बनने लगेगा, बड़ा सा प्लांट हो जाएगा। तो उसके बाद इसका कटिंग करना होगा, साल में एक बार कटिंग कीजिएगा तो इसका प्लांट जरूर लगेगा। एक बार कटिंग करके कटिंग से भी आप इसका प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। इसका ऐसे तो प्लांट लगाने में 2-3 विधि काम ज्यादा करता है, ऐसे तो इसका कटिंग आसानी से लग जाता है, कटिंग से भी आप प्लांट लगा सकते हैं। एक कटिंग से एक प्लांट आराम से बन जाएगा, वो पेंसिल के आकार का ले सकते हैं, पेंसिल के आकार में तो इसका प्लांट जरूर बन जाएगा। और प्लांट बनने के बाद आप उसे शिफ्ट करना चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं और लगाना चाहे तो रेत में लगा सकते हैं, रेत में लगाइएगा तो तुरंत ग्रोथ कर जाएगा। इसको पानी देना होगा स्प्रे के सहारे, नहीं तो ये जड़ गलने का खतरा रहता है, ज्यादातर पानी होने से भी जड़ गल जाता है। इसमें आपको रूटिंग हार्मोन, अगर इस समय लगा रहे हैं तो रूटिंग हार्मोन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बाद में
ज्यादातर पानी होने लगेगा तो रूटिंग हार्मोन लगा दीजिएगा तो ये प्लांट आराम से चल जाएगा। हाइब्रिड वाला में यही दिक्कत होता है सबसे ज्यादा, इस पे एफिड का अटैक, जो वो पीला सा करीरा होता है वो भर जाता है। इसके लिए आपको शावर से स्प्रे करना होगा जो वो कीड़ा नीचे गिर गया, नहीं तो आपको मिर्च का स्प्रे कर देना होगा। मिर्च पाउडर घोल के स्प्रे कर दीजिए, वो पूरा कीड़ा नीचे गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा। ऐसे हरा मिर्च का विधि बनाने का बता देंगे कभी, अगर कमेंट कीजिएगा तो, उससे भी इसका एफिड का अटैक खत्म हो जाता है। इसमें नीम ऑयल का प्रयोग करते रहें जो ये एफिड का अटैक इसमें कम हो। ऐसे तो इसका प्लांट बहुत बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा होगा तो छटाई तो आराम से करना होगा। एक बार लगा दीजिएगा तो कभी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वही चलते रह जाएगा। अगर देसी वाला वेराइटी में तो बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, तो वो आपको 20 या 25 इंच वाला गमला, बड़ा वाला गमला में लगाना होगा। उसका प्लांट थोड़ा बड़ा होता है और इसका तो ड्वार्फ साइड का होगा हाइब्रिड वाला में, तो ये बहुत आसानी से लग जाएगा। और ड्वार्फ होगा तो ड्वार्फ इधर उधर रख सकते हैं और ज्यादातर फूल देगा, लेकिन यही बीज पॉट बनने का चांस रहता है, तो ये भी हटाना होगा। देसी वाला में तो बहुत सा कलर उसमें भी मिल जाएगा, वो 10 या 20 रुपए में मिल जाएगा, और ये 70 या 80 रुपए में मिलेगा जो भी नर्सरी हो आपके निकटतम। पूना वाला ज्यादा महंगा मिलता है, उसमें ब्लू भी कलर आता है, वो जो इसका एक वीडियो डाले थे इससे पहले, आप देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो होगा मेरे पे शॉर्ट में, वो भी एक इसी का है, हिबिस्कस का वेराइटी है हाइब्रिड का। हाइब्रिड वाला में तो ज्यादातर तो प्लांट चलने का चांस ज्यादा रहता है, और ऐसे वाला में तो देसी वाला तो कहीं लगा दीजिए वो लग जाएगा। रोड के किनारे में बहुत सारा देसी वेराइटी का मिल जाएगा। एक लूना वाला आता है, तो लूना वाला भी मेरे पास एक कलर है ब्लू कलर में या व्हाइट होगा न, मुझे नहीं याद है। वो फूल फ्लावर देगा तो देख लेंगे कौन कलर है, बता देंगे आपको वीडियो बना।